नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों के सितारे में आज जानेंगे कि एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कम्युनिटीज का बाजार, चाहे एग्री कम्युनिटी हो, नॉन एग्री कम्युनिटी हो, और शेयर बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, किस कम्युनिटी में और किन शेयरों में आज आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। आइए उनसे जान लेते हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स सीवी पर। अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से बहुत बहुत प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज थर्सडे है यानी बृहस्पतिवार, बाजारों के अंदर तेज गति से वॉलिटिलिटी होने की संभावना बनेगी। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आप एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावना होंगी, शेयर बाजार के अंदर की हलचल पे क्या कैसे रखें ध्यान, और नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर का मुनाफा कमाने की संभावना बनेगी। दोस्तों, सबसे पहले आज का प्लैनेटिकल कंडीशन। आज चंद्रमा कर्क राशि में है यानी जल प्रदान राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि है। मंगल और सूर्य दोनों अग्नि कारक ग्रह वायु तत्व राशि तुला राशि में विराजमान है और शुक्र और केतु वृश्चिक राशि यानी जल प्रदान राशि के अंदर है। देवगुरु बृहस्पति और शनि मकर राशि के अंदर है जो पृथ्वी तत्व की राशियां मानी जाती है। तो ये था आज का ग्रहों की स्थिति। सबसे महत्वपूर्ण हम चर्चा करेंगे आज एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी। दोस्तों, कल आपको याद होगा हमने गवार सीड के ऊपर आपको अग्रिम अनुमान एवं आकलन दिया था और कल गवार सीड ने बहुत अच्छी तेजी दर्ज की एनसीडीएक्स के अंदर और स्पॉट मार्केट के अंदर भी गवार सीड की मांग बड़ी देखी गई। एक और जहां तक मंडियों से सूचना मिल रही है कि गवार सीड की आवक इस बार काफी कम बताई जा रही है। कुछ जिलों में तो गवार सीड की आमद पिछले कई सालों से बहुत कम होती जा रही है, इस बार बहुत कम दर्ज हुई है, लेकिन मांग बराबर मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। लेकिन कहा जाता है कि यदि आप सांस ले रहे हैं तो आपको सांस छोड़नी भी पड़ेगी। तेजी है तो एक बार मुनाफा वसूली भी कभी कभी आएगी, इसके अंदर कोई दोराय और कोई संशय नहीं होना चाहिए। आज गवार सीड के अंदर उतार चढ़ाव की संभावना बन सकती है और संभव है आज कुछ मुनाफा वसूली भी देखी जाए। एक और विशेष बात मैं कहना चाहूंगा गवार सीड के व्यापारियों के लिए, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कारोबारी बंधु एवं किसानों की पहली पसंद होती है और गवार सीड एक ऐसी कृषि उपज है जो मुनाफा और नुकसान दोनों के अंदर चमत्कार कर देती है। और हमारे विशेष शो का भी आप इंतजार करें, हम गवार सीड के ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे। गवार सीड का गौरतलब है कि हमने आपको मार्केट टाइम्स के इसी चैनल के ऊपर 6 महीने पहले आपको अग्रिम अनुमान दिया था और साथ साथ 3 महीने पहले भी आपको अग्रिम अनुमान दिया था गवार सीड की अद्भुत तेजी के बारे में। तो आज कुछ मुनाफा वसूली देखी जा सकती है, आप उस पर नजर रखें। इसके अतिरिक्त आज जो तिलहन पैक है यानी सोयाबीन है, सरसों है, इसके अंदर भी कुछ कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ी कमजोरी की संभावना संभवतः नहीं रहे, लेकिन कुछ कमजोरी की संभावना बन सकती है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को स्टॉक लिमिट और स्टॉक के ऊपर नजर और नियंत्रण रखने का जो आदेश सरकार ने दिया है उसका प्रभाव भी कारोबारियों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, क्योंकि कोई भी व्यापारी एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकता। लेकिन अभी फसल का टाइम है सोयाबीन का और अभी स्टॉक करने का भी टाइम है, तो ये सरकार को भी देखना पड़ेगा और व्यापारियों को भी समझना पड़ेगा कि इसका क्या समाधान निकले, क्योंकि अभी स्टॉक नहीं होगा तो स्टॉक कब करेंगे, ये व्यापारियों के दिमाग में प्रश्न है। एक और महत्वपूर्ण बात, प्याज के अंदर आपको याद होगा हमने 2 महीने पहले आपको अग्रिम चेतावनी दी थी कि प्याज के दाम बढ़ सकते हैं। यद्यपि प्याज के अंदर 2,06,000 क्विंटल का बफर स्टॉक सरकार ने बना के रखा है और उसके अंदर उस बफर स्टॉक के अंदर प्याज रिलीज भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मजबूती बनी रही। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर प्याज के अंदर ऊपरी स्तरों पर तेजी से गिरावट की भी संभावना बनेगी, अतः अतिरिक्त सावधानी रखें जो प्याज के कारोबारी हैं। ये था कृषि दिवसों पर आज का आकलन एवं विश्लेषण। अब हम चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार के अंदर क्या संभावनाएं बनती है।
गौरतलब है कल हमने आपको यही कहा था, आपको याद हो तो, कि हमें ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। शेयर बाजार के अंदर ऐतिहासिक ऊंचाइयों के बाद कुछ पॉज बन सकता है, कुछ गिरावट बन सकती है। आज हम बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर कमजोरी की संभावना देख रहे हैं, आज सर उसके अंदर कमजोरी दर्ज हो सकती है। इसके अतिरिक्त आप अभी तक केमिकल स्टॉक्स बहुत बढ़िया चल रहे थे, चाहे टाटा केमिकल हो, हिमाद्री केमिकल हो, और इसके अतिरिक्त बैटरी के स्टॉक यानी अमरा राजा बैटरी है, एक्साइड बैटरी है, ये बहुत अच्छे चल रहे थे। स्टील स्टॉक्स भी बहुत प्यारे चल रहे थे, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब बहुत अच्छी चल रहे थे। मुझे लगता है कि अब ऊपरी स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर दोस्तों आपको याद होगा हमने कल आपको कच्चे तेल में गिरावट की संभावना व्यक्त की थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। कल जबरदस्त गिरावट कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल में देखी गई। दोस्तों याद रखिएगा, तेजी या मंदी ये सब एक जोड़ा है, सुख और दुख, रात और दिन, तेजी और मंदी, ये एक जोड़ा है। और इसमें समझदार कारोबारी, समझदार व्यापारी, समझदार निवेशक टाइमली अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, निकल जाते हैं। तो अतः इंट्राडे ट्रेडर जो भी मानव आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें एक विशेष ख्याल रखिएगा कि हमेशा अपना स्टॉप लॉस और टारगेट का ख्याल रखिए। क्षमताओं से अधिक बिल्कुल काम मत कीजिए। इसके अतिरिक्त एक विशेष ख्याल, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार या एग्रो जीन्स, आप उसमें पूर्ण अध्ययन करें, बहुत सारे सेक्टर्स पे काम मत करिए। दो या तीन या चार सेक्टर्स के ऊपर पूरा आपको अध्ययन होना चाहिए और उसके ऊपर पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रख के उसकी मूविंग एवरेज वगैरह इन सब का ख्याल रख के भी आप ट्रेड करते हैं तो निश्चित रूप से आप फायदा उठाते हैं। एक और बात, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, कृषि जीन्स, आपके ग्रह भी आपको मदद करते हैं कि क्या आप लाभ कमा सकते हैं या नहीं, इसका भी जांच और आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों आप हमारे इस एपिसोड को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा, क्योंकि भारतीय रहस्यमयी विद्याओं का अनुसंधान और रिसर्च का बीड़ा जो हमने लगभग 25 सालों से लगातार उठा रखा है, और इन रहस्यमयी विद्याओं का प्रमोशन हो, रिसर्च अनुसंधान हो, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं, ऐसा हमारा ध्येय है। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। जी कर्नल अजय जी, तो जैसे कि हमारे एस्ट्रो मनी ग्रुप कर्नल अजय जी ने बताया कि आज कैसे सीड्स के अंदर वायदा बाजार में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, जो कि हम ऑलरेडी देख भी रहे हैं कि आज कैसे सीड का वायदा बाजार एक हल्की सी नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ कर्नल अजय जी ने ग्वार सीड में भी एक हल्की कमजोरी की संभावना बताई है, जो कि हम अभी भी देख भी रहे हैं। उसके साथ कर्नल अजय जी का प्याज के किसानों को ये चेतावनी रहेगी कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में कुछ नरमी बनती हुई नजर आ सकती है, तो सतर्कता के साथ चलें। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट टाइम्स टीवी पर।